छठे इमाम की अहादीस हैं जिसके अंदर आपने कसरत से बारह इमाम से मुतालिक कहा फरमाया और आपने कहा कि आखिर ज़माना आएगा कि जहाँ पे 50 अलामत इमाम ने बताई हैं कि एक दौर में 50 अलामत पूरी होंगी उसके बाद इमाम का ज़ुहूर होगा और उन 50 अलामत में तफसील ही है कि वेदर में तब्दीली होगी, गर्मी में सर्दियाँ, सर्दी में गर्मियाँ। शायद ग्लोबल वार्मिंग का तसव्वुर दे रहे हैं इमाम, कहा कि बे इंतहा औरतों की हुक्मरानी हर जगह पर होगी, रूलर्स होंगी ख्वातीन, और भारत में तफसील से अहादीस है इमाम अलैहिस्सलाम की, कहा कि वहाँ पे बाकायदा लोग होमोसेक्सुअलिटी को इलीगल कर देंगे। लोगों ने कहा मौला ये कैसे हो सकता है, कहा कि नहीं हो जाएगा आखिर ज़माने के अंदर, अब ये बरतानिया जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे हो गया, आयशा साहब देखिए पूरे यूरोप में फैलता चला जा रहा है। इस तरह से इमाम ने कसरत से अलामत बताएं, कहा कि ये कुछ होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, कहा दुनिया में एक आखिरी जंग होगी जहाँ एक तिहाई लोग मर जाएंगे उस जंग, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल फिनिश इन वॉर्स, अनदर 1/3 विल फिनिश इन बैटल, उसके इन इलनेसेस बीमारियां फैलेंगी, तो दो तिहाई लोग मर जाएंगे। तो क्या रसूल खुदा ने फरमाया कि आखिरी जमाने में हर 7 में से 5 आदमी मर जाएंगे जंगों में, बीमारियों में, तो उस वक्त इमाम का ज़ुहूर होगा। बहरहाल इमाम ने बड़ी तफसील से बताई हैं आखिरी जमाने के अलामात और कहा कि उस जमाने के अंदर इमाम ने बहरहाल बहुत सी अलामात में हैं कि हमारे जो मुकद्दस मकामात हैं कहीं इनकी इहानत होगी, तौहीन होगी, और बहरहाल बाद मकामात को गिरा भी दिया जाएगा। यहाँ तक कि कहा कि आखिरी जमाने में सुफियानी आएगा, वो कहेगा मैं रौजा रसूल को गिरा दूंगा। अभी आज ये जो शाम के अंदर है वो बाकायदा कहते हैं कि हमें अगर मौका मिलेगा हम नजफ अशरफ के हरम को गिरा देंगे, मदीने को गिरा देंगे, सब गिरा देंगे। इमाम ने कहा कि आखिरी ज़माने में लोग आएंगे और वो इस तरह की बातें करेंगे, हमारा ये कैसे हो सकता है, मुसलमान होंगे। इमाम ने कहा हाँ, वो कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, कहेंगे यही, वो ये नहीं कहेंगे हम काफिर हैं, वो कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, अपने आप को मुसलमान ही बताएंगे, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियाँ होंगी, बड़ी बड़ी लंबी नमाजें पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दीन के आसार को मिटाने की कसम खा लेंगे, कहेंगे हम सब मिटा देंगे, रोजों को गिराएंगे, सब कुछ करेंगे, आखिरी जमाने में ऐसा होगा। क्या मौला कहां से कहा कि हम्स, आपने हम्स का नाम सुना होगा, अभी डमास्कस के नजदीक एक छोटा सा शहर है हलब से पहले, हम्स नहीं हम्स, तो बार बार आप सुन रहे हैं न्यूज़ के अंदर इसका नाम आ रहा है हम्स का। तो इमाम ने कहा कि हम्स से एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा उस्मान इब्ने अंबसा और वो सुफियानी होगा, सुफियानी समझते हैं नहीं, अबू सुफियान की नस्ल से होगा, मुआविया की नस्ल से होगा, और कहा वो आएगा और आने के बाद बाकायदा बेनता जुल्म करेगा, ताराज कर देगा, उसकी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर देगा, उसके बाद फिर इराक में हमला करेगा, बेनतहा जुल्म करेगा, ज्यादतियां करेगा। कहा कि लेकिन वो रजब के महीने में आएगा, वो आखिरी रजब होगा, आखिरी 6 महीने में जहूर से पहले वो आएगा, और कहा उसी दौरान दो और लोग आएंगे, एक खुरासान से खुरासानी सैयद हसनी खुरासानी आएंगे, दूसरे यमन से यमानी शुएब बिन सालेह बिन शुएब के नाम से। कहा ये तीन एक ही वक्त में कयाम करेंगे, कहा उस जमाने में दुनिया में बड़े हालात खराब होंगे, और उस जमाने के अंदर जो सबसे बड़ी ताकतें होंगी वो चीन और हिंद होंगे, उस जमाने में जो सुपर पावर्स होंगी वो उस वक्त चाइना और इंडिया होंगे, और इमाम अलैहिस्सलाम की खुद जंग होगी, इमाम खुद जाएंगे फतह करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए चाइना जाएंगे, इंडिया जाएंगे, जंग करेंगे खुद से। भारत यूरोप के लिए मिलता है कि वहां पर बेइंतहा हालात खराब हो जाएंगे, इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे, इंसान इंसान को खाएगा, तो बेइंतहा हालात खराब होंगे। इमाम ने 50 तफसीली अलामात बताई हैं, कहा कि म्यूजिक इतना आम हो जाएगा कि मक्के मदीने में लोग मौसीकी सुना करेंगे, म्यूजिक सुना करेंगे, और बेइंतहा इमाम ने अलामात बताई हैं कि लोग हलाल को हराम, हराम को हलाल बनाने पे तुले हुए होंगे। हमारा दौर नहीं है, किसी और दौर की बात हो रही है, हमारे तो सब सही है। कहा कि उस वक्त मारूफ मुनकर बन जाएगा, मुनकर मारूफ बन जाएगा, गुड विल बिकम इवल, इवल विल बिकम गुड। अगर आप किसी को कहेंगे कि बुराई मत करो तो कहा आपका कोई साथ नहीं देगा, सब बुरे का साथ देंगे, कहेंगे तुम कौन होते इसको रोकने वाले, पता नहीं बात वादे हो रही है नहीं। कहीं आखिरी जमाने के अंदर मारूफ मुनकर बन जाएगा, मुनकर मारूफ बन जाएगा, कब बे इंतहा बुराइयां फैल जाएंगी। और इमाम ने बे इंतहा तफसील से सारी अलामात बताई, कहा कि दुनिया के अंदर, कहा कि मौला के लोग कैसे बैठा करेंगे, कहा मजलिसों की जो सबसे दिलचस्प चीज होगी वो गिबत होगी, मोस्ट कॉमन थिंग जो होगी ना वो होगी क्या होगी, लोग खाना इतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना गिबत एंजॉय करेंगे, बे इंतहा एंजॉयमेंट की सबसे अच्छी चीज वो गिबत होगी। कहा कि तोहमत लगाने पर लोग बुरा नहीं समझेंगे, और बे इंतहा इमाम ने तफसीली अलामत बताया कि आखिरी जमाने में सब कुछ हो जाएगा, कब होना ऐसा भी होगा, इमाम ने कहा इससे भी ज्यादा हो जाएगा, कहा ऐसा वक्त आएगा कि लोग उलमा से फरार करने लगेंगे, भागने लगेंगे, आलिम देखेंगे निकल लो, क्यों कि मौलाना आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बात कर लें पूछ लें। कहा कि ऐसा वक्त आएगा, ऐसे लोग उलमा से फरार करेंगे जैसे भेड़ बकरियां भेड़िए के आने पर फरार करते हैं, भाग जाया करेंगे, मौलाना आ रहे हैं भागो। तो कहा कि ऐसा दौर आ जाएगा कि लोग इल्म से बड़े दूर हो जाएंगे, सवाल नहीं करेंगे, ऐसा दौर आएगा कि जहां पे हमारे
यानी खुद बाज ऐसे शिया होंगे कि अगर उनमें बैठोगे तो गुमराह हो जाओगे, शियों ही से गुमराह हो जाओगे, दूसरों से नहीं। कहा मौला उस जमाने में क्या कहने का कि कोशिश ये करो कि ज्यादा सोशलाइज ना करो, अपने आप को कंटेन रखो ताकि तुम्हारा ईमान जाया ना हो, अपने आप को मुसलसल कोशिश करो कि ईमान पे बाकी रहो। और बहरहाल इमाम ने वहां पे बड़ी तफसीली बताई। तो छठे इमाम ने बेइंतहा आखिरी जमाने से मुताल्लिक अलामात बताई कि आखिरी जमाने में ये होगा, ये होगा, ये होगा। इस जमाने में कोशिश करें कि अपने अपने ईमान को बाकी रखें और दूसरों के ईमान को बचाने से ज्यादा अपने ईमान को बचाने की कोशिश करें कि कोई आपका ईमान जाया ना कर दे, कोई ऐसा ना हो कि कोई उल्टा सीधा मुनहरिफ कर जाए। तो कहा कि वहां पे उस जमाने में कुत्ता और तरीक डाकू बहुत होंगे। वहां का अच्छा माला जगह जगह लूटेंगे। कहा नहीं, ईमान की डकैती करने वाले बहुत होंगे। तो उस जमाने में ईमान को बचाना ऐसा होगा जैसे अंगारा हाथ पे, कोल बर्निंग कोल ऑन द हैंड। कैसा होता है, इंसान फेंक देता है खुद ही का ईमान। ऐसा होगा, लोग सुबह जाएंगे बाईमान, रात को आएंगे बेईमान, सुबह जाएंगे बेईमान, रात को आएंगे बाईमान। मैं समझता था एक मरतबा होगा, नहीं, डेली वेरिएशन चलता रहेगा। ऐसे होगा, ग्राफ ऐसे चलेगा, कभी है नहीं, है नहीं, ईमान ऐसे चलेगा ग्राफ। इमाम ने कहा मौला क्या करें का? उस जमाने में दुआ करना कि ईमान पे मौत आए। मौत जब आए तो विलायत अली नबी तालिब पे मौत आए। ऐसे तालिब में जितनी मिसालें जनाबे खुद ऐसी थी ना, कभी जब ईमान गिरा तो इमाम हुसैन के घोड़े के लगाम में हाथ डाल दिया, कभी ईमान आया तो फिर तौबा कर ली। अब लेकिन क्या है, अलैहिस्सलाम है कि जब शहादत मिली है तो ईमान के दर्जे पे